जी, अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं आईपीसेक की, दैट वाज बेस्ड अराउंड आइक वर्जन 1, और हमने आइक वर्जन 1 में रूट बेस्ड वीपीएन बनाया, और हमने आइक वर्जन 2 के साथ रूट बेस्ड वीपीएन बनाया। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन का, वो हमने देखा बोथ इन टर्म्स ऑफ आईओएस एंड एएसए। और ये जो वीपीएन हमने बनाए थे, दे वर यूजिंग प्री शेयर्ड की। अच्छा जी, अब हमने अपने जो वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन है उसको रूट बेस्ड से शिफ्ट करना है पॉलिसी बेस्ड की तरफ। एंड लेट्स सी हाउ डू वी कॉन्फ़िगर पॉलिसी बेस्ड वीपीएन टुडे। अभी तक की कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो बताइए। अच्छा जी, इफ वी टॉक अबाउट अ वीपीएन बिटवीन राउटर 1 एंड राउटर 2, राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान हमने वीपीएन बनाना है, आईपी सेक टनल होनी चाहिए, और बजाहिर ये आईपी सेक टनल जो आपकी लैन की ट्रैफिक को सिक्योरली ट्रेवल कराएगी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ये आईपी सेक टनल को एस्टेब्लिश करने के लिए तमाम तर जो काविश है और कोशिश है वो आइक ने करनी होती है। सो आइक इंटरनेट की एक्सचेंज जो प्रोटोकॉल है, ये इस पूरे काम को सर अंजाम देता है कबल इसके कि आईपीसेक टनल काबिले इस्तेमाल हो। सो फर्स्ट स्टेप, हम इस चीज को समझ चुके हैं कि पहला स्टेप ही आइक है। आइक के इस पहले स्टेप के फिर दो फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2, बट बोथ ऑफ दोज फेजेस आर ऑफ दिस स्टेप 1 ग्रॉसली। फेज 1 सिक्योर करता है आइजर कैंप कम्युनिकेशन को, और फेज 2 जो है वो इवेंचुअली फिर सिक्योर करता है आईपी सेक की आने वाली कम्युनिकेशन को। सो फेज 1 में आइजा कैंप सिक्योरिटी एसोसिएशन कायम की जाती है, और फेज 2 में आईपी सेक के लिए एक सिक्योरिटी एसोसिएशन कायम की जाती है बिटवीन टू पार्टीज। सो वंस यू एंड अप फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ आइक, आपको इवेंचुअली जो चीज मिलती है फिर वो एक आईपी सेक की टनल होती है जिसके अंदर से आप अपनी ट्रैफिक को सिक्योरली पास कर सकते हैं। और डिफरेंस क्या है, यहां पे आपके पास प्लेन पैकेट है, और इस टनल के अंदर जब वो पैकेट एंटर होता है तो डिपेंड करता है कि वो पैकेट आप किस नौइयत का चाहते हैं। आपके पास यहां पैकेट की चार टाइप्स हैं, ए बी सी एंड डी। इट कैन बी ई एस पी टनल मोड, इट कैन बी ई एस पी ट्रांसपोर्ट मोड, इट कैन बी ए एच टनल मोड, इट कैन बी ए एच ट्रांसपोर्ट मोड। इनमें से जिस भी नौइयत का पैकेट आप यहां पे चाहते हैं, ये आप ड्यूरिंग द फेज
वन एंड फेज टू डिस्कशन, इस चीज का एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों पार्टीज, और इवेंचुअली जो सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टेब्लिश होती है आईपी सेक के लिए, उसको ये पता होता है कि अब मैंने आने वाले पैकेट्स को जो राउटर में दाखिल होंगे उनको जब एग्जिट देना है तो उनको मैंने किस गिलाफ में पैक करना है, उसकी टाइप ए होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, ये आईक ने दोनों पार्टीज के माबेन एग्री करा दिया होता है और उसको फिर फॉलो किया जाता है। सो अगर ईएसपी का टनल मोड है तो इसके ऊपर एक न्यू आईपी हेडर है, उसके बाद ईएसपी का हेडर है, ईएसपी का ट्रेलर है, और इसके अंदर हमारा ये प्लेन पैकेट प्लेस किया गया हुआ है। सो दिस इज द पैकेट ऑफ टाइप ए जो इस आईपीसेक टनल में ट्रेवल करेगा, या बी या सी या डी, जिस तरह भी आप चाहें। तो ये जो ट्रैफिक है ये आईपीसेक ट्रैफिक गिनी जाएगी। बहरहाल ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो या ईएसपी की ट्रैफिक है या एएच की ट्रैफिक है। सो एनी आईपीसेक वीपीएन, any single IPsec VPN can comprise of three security associations, एक IKE की security association, एक आपकी inbound और एक आपकी outbound IPsec association। IPsec से मुराद अब डिपेंड करता है कि वो किस नौयत का आईपी सेक है इन चार टाइप्स में से। सो उस एतबार से एक इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन बनेगी और एक आउटबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन बनेगी। सो फॉर एनी गिवन वीपीएन यू विल हैव थ्री सिक्योरिटी एसोसिएशंस, थ्री डेटाबेस एंट्रीज, हर एक में हिसाब रखा जाएगा कि एनक्रिप्शन किससे करनी है, हैशिंग किससे करनी है, डिफी हेलमैन का ग्रुप कौन सा होगा, हर एक के अंदर इस चीज का हिसाब रखा जाएगा। एंड मच मोर, और हर इस एक एंट्री को एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स यूनिक वैल्यू से परखा जाता है। And every such security parameter index is generated for each and every tunnel uniquely. So, अगर R1 की एक tunnel R2 के साथ बनी हुई है तो इसका अलग SPI होगा, in का अलग होगा, out का अलग होगा। If you have another tunnel तो इसका अलग SPI होगा, in का अलग होगा, out का अलग होगा। Security parameter index is a reference point जो बताता है कि इन दो parties के दरमियान आगाज में किस algorithm के ऊपर और किस packet type के ऊपर agreement हुआ था, उसका track number होता ही है। अब ये जो IPsec की configuration है इसको grassroot level के ऊपर जब आप router में configure करते हैं तो उसकी configurational जो approaches हैं वो दो थी, या आप यहाँ पे टनल मोड वीपीएन बनाते हैं, यानी आप उसको कह लीजिए कि आप रूट बेस्ड वीपीएन बनाते हैं, या आप यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड वीपीएन बनाते हैं। चाहे आपका पैकेट पॉलिसी बेस्ड प्रोसेस होके गुजरे या आपका पैकेट रूट बेस्ड प्रोसेस होके गुजरे, नतीजा ए बी सी डी ही होगा। ये चीजें लोकली सिग्निफिकेंट हैं और इनका ताल्लुक सिर्फ स्टाइल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, पैकेट के स्ट्रक्चर के ऊपर ये असरअंदाज नहीं होती चीजें। पैकेट जो अनसिक्योर नेटवर्क में जाएगा वो ए बी सी डी में से ही किसी ना किसी शक्ल का होगा, ख्वा उस शक्ल में उसको तहलील करने के लिए आपने रूट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल इस्तेमाल किया है या पॉलिसी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल इस्तेमाल किया है। कथा नजर इसके जो पैकेट आईएसपी में से गुजरेगा या ओवर द इंटरनेट गुजरेगा उसमें इस चीज का कोई इशारा नहीं होगा
कि ये रूट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से बना था या ये पॉलिसी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से बना था. सो दिस इज ऑल लोकली सिग्निफिकेंट टू द बॉक्स. और इसमें से अब कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए, वंस वी स्टडी पॉलिसी बेस्ड, रूट बेस्ड तो हमने पढ़ लिया, फिर हम उनको कंपेयर करके फैसला कर सकते हैं कि कब कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा जी, अगर हम रूट बेस्ड वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो हमने आईओएस पे सीखा, तो क्विकली अगर हम उसको प्लॉट करें तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, आईओएस रूट बेस्ड वीपीएन. हमने क्रिप्टो आइजा कैम्प की डिफाइन की थी और एड्रेस डिफाइन किया था रिमोट पार्टी का एड्रेस. लेट्स डू इट इन नोटपैड. आईओएस रूट बेस्ड वीपीएन. सो क्रिप्टो आइजा कैम्प की सिस्को एड्रेस 62.1.1.1 as if we are on router 1. उसके बाद हमने क्रिप्टो आइजा कैम्प पॉलिसी बनाई थी. वी आर टॉकिंग अबाउट आइक वी वन एट द मोमेंट. उसमें हमने बताया कि दोनों पार्टीज आपस में ऑथेंटिकेट कैसे होंगी, प्री शेयर के जरिए होंगी, इनक्रिप्शन सेलेक्ट की, हैशिंग सेलेक्ट की, डिफी हेलमैन का ग्रुप सेलेक्ट किया, अगर चाहें तो लाइफ टाइम ऑफ द टनल भी बता सकते हैं. इस लाइफ टाइम का ताल्लुक जो है वो इस आइक की टनल के साथ है, यानी आइक की जो अपनी सिक्योरिटी है उसकी जो कीज एक्सचेंज हुई हुई हैं उसका लाइफ टाइम कितना होगा, कितनी देर बाद ये कीज रिफ्रेश होनी चाहिए. सो लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू की रिफ्रेश टाइम फॉर आइजा कैम्प. सो अगर आप यहां डिफाइन कर दें तो ठीक, अदरवाइज 86400 बाय डिफॉल्ट सेकंड्स में ये होता है. अच्छा जी, उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहां तक, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ फेज वन. फेज वन किसका, आइक का फेज वन. आइक फेज वन को हम आइजा कैम्प का फेज वन भी कहते हैं. नेक्स्ट पीस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाज फॉर आइक वर्जन वन या आइजा कैम्प फेज टू. और आइजा कैम्प का जो फेज टू है दैट इज अबाउट आईपीसेक. ये है आईपीसेक के बारे में, बट कन्फिगर आप आइजा कैम्प को ही कर रहे हैं. सो गोया के आप जो आईपीसेक वीपीएन बनाते हैं उसमें आप आइजा कैम्प कन्फिगर कर रहे होते हैं. नतीजतन आपको जो आउटपुट मिलती है उस कॉन्फिगरेशन की वो एक आईपीसेक वीपीएन होता है, बट कन्फिगर आप थ्रू आउट आइजा कैम्प कर रहे होते हैं. अच्छा जी, तो सेकंड फेज के दो सेकंड फेज के लिए हमने जो चीज सेलेक्ट की थी वो एक ट्रांसफॉर्म सेट था, क्रिप्टो आईपी सेट ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट. यहां पर हम सिलेक्शन करते हैं उस ए बी सी डी में से. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ESP null कि हमने ESP की इंक्रिप्शन नहीं करानी, और AH SHA HMAC. This is a combination. This combination says we do not want to use ESP and we will use AH and AH will use SHA. और हम ये भी कह सकते हैं कि ESP 3DES और AH SHA HMAC. ESP की इंक्रिप्शन और AH की हैशिंग. देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल जिनमें से हम
ESP की ही इंक्रिप्शन और ESP की ही हैशिंग यूज करते हैं. रीजन बीइंग दिस इज नेट फ्रेंडली, बट फॉर पैट वी स्टिल नीड नेट टी. और हमने पढ़ रखा है कि नेट टी क्या था. नेट टी में हम जो IPsec के पैकेट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे ESP की शक्ल में देखा, ये यहाँ पर दरमियान में एक हेडर ऐड करवा लेते हैं विच इज ऑफ UDP. सो यहाँ पे UDP हेडर ऐड हो जाता है. सो इन दैट केस दीज पैकेट्स आर नो मोर ऑफ ESP, रादर दीज पैकेट्स आर ऑफ प्रोटोकॉल UDP. यानी ISP में से जब ये पैकेट गुजरेंगे तो ये ESP के नहीं गिने जाएंगे, ये फिर UDP के गिने जाएंगे. और ये जो आउटर हेडर है इसका प्रोटोकॉल नंबर जो है वो UDP के प्रोटोकॉल के इक्वल सेट होगा. ये बताएगा मेरे अंदर UDP है नॉट ESP. बाकी हेडर बहरहाल इसी तरह का होगा, बट देखने वाले को ही लगेगा कि UDP के पैकेट्स हैं जो 4500 पोर्ट में टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं. दिस इज वॉट नेट टी इज ऑल अबाउट. एंड ESP इज नेट फ्रेंडली क्योंकि ये आउटर हेडर को छोड़ देता है, जो कुछ ये करता है वो इस तरफ है इंक्रिप्शन और हैशिंग, इसको ये लेफ्ट एज इट इज वाले सीन में रखता है. वरना AH इसको भी कंसिडर कर लेगा और फिर वो तो नेट में से कभी गुजर सकता ही नहीं है. अच्छा जी, तो ट्रांसफॉर्म सेट बना लिया हमने, मोड इसका बाय डिफॉल्ट भी टनल होता है, अगर हम नहीं भी देंगे तो टनल ही होगा. उसके बाद हम बनाते हैं क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल. IPsec प्रोफाइल उसमें हम कहते हैं सेट ट्रांसफॉर्म सेट माय सेट, और बाद में हम चलते हैं इंटरफेस टनल में. इंटरफेस टनल का मोड IPsec IPv4 कर देते हैं. टनल का सोर्स कोई IP बताना पड़ेगा जो लाइव IP है. टनल का डेस्टिनेशन कोई टारगेट लाइव IP होगा. ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्लेन टनलिंग में भी डिस्कस किया था. टनल का अपना कोई ना कोई IP होगा और टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल. और यहाँ पर हम IPsec प्रोफाइल कॉल करते हैं. ये एक इजाफा है टनल की कॉन्फ़िगरेशन में अलोंग विद दिस वन विच मेक्स दिस टनल दिस टाइम एन IPsec टनल. और जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कॉल करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन इंटरनली इसको कॉल करती है और ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी बहरहाल कॉन्फ़िगर करने से ऑनवर्ड एक्टिव हो जाती है. लिसनर इसका जो आई का डेमन है वो चल पड़ता है जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगर करते हैं. सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी, दिस इज रूट बेस्ड VPN. क्यों रूट बेस्ड VPN? ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बावजूद ये काबिले इस्तेमाल नहीं है जब तक आप रूट पॉइंट नहीं करेंगे, जब तक आप कहेंगे नहीं कि अगर इस मंजिल पर जाना है तो टनल वन से निकलो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर IPsec VPN.